180 बिलियन डॉलर्स की माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जिसके पीछे हाथ है सिर्फ एक बांग्लादेशी आदमी का। 1974 के बांग्लादेश फैमिन को देख के मोहम्मद यूनुस ही समझ गए थे कि छोटे से छोटे बिजनेस को लोन दिए बिना बांग्लादेश की इकोनॉमी कभी नहीं सुधर सकती। हाउएवर कोई भी बैंक उस वक्त छोटे बिजनेसेस को लोन नहीं देता था ड्यू टू डिफॉल्ट रिस्क, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को लैंडलॉर्ड से लोन लेना पड़ता था काफी अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस पे। ये सारी कंडीशन देख के 1976 के अंदर मोहम्मद यूनुस ने अपनी जेब से लोन देना स्टार्ट करा। धीरे धीरे लोन्स की डिमांड बढ़ने लग गई जिसके कारण मोहम्मद यूनुस ने बैंक से लोन लेके काफी सारे छोटे बिजनेसेस को लोन देना स्टार्ट कर दिया और 1983 तक उनके साथ 28,000 मेंबर्स जुड़ गए थे और इस प्रोजेक्ट का उन्होंने नाम रख दिया ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से इंस्पायर होकर काफी सारी कंट्रीज लाइक यूएसए ने अपने देशों के अंदर माइक्रो फाइनेंसिंग का काम स्टार्ट कर दिया और आज माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री 200 बिलियन डॉलर्स की और ये एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये इंडस्ट्री 500 बिलियन डॉलर्स की बन जाएगी और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ एक आदमी के एफर्ट्स की वजह से। ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल कंटेंट रोज कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब टू फिनस्पेस इंडिया।